मुझे पसंद आएगा बिकॉज जैसे राजेश्वर ने बताया कि आई डोंट हैव एनी मैजिक वैंड, मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं घुमाऊंगी और आपकी व्यक्तित्व की जो स्किल्स है या आपकी जो मसाले की स्किल्स है मैं उनको ग्रूम कर पाऊंगी, बट आई कैन गिव यू सर्टेन टिप्स, आई कैन डील विद सम ऑफ योर साइकोसोशल कॉम्पिटेंसीज जो कि आप लोगों को मैं उसके बारे में बताऊंगी, आप लोग उसका अंतर्निरीक्षण करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे और उसके बेसिस पे इट वुड बी एनलाइटनिंग फॉर यू, राइट? आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपने व्यक्तित्व में जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स है उसको किस तरीके से बेटर करना। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, कुछ मैथ्स के स्टूडेंट्स भी होंगे आप लोग देखेंगे तो यू ऑल पीपल फॉल इन द नॉर्मल कैटेगरी, ऐसा है कोई अवे फ्रॉम नॉर्मल हो? नॉर्मल होना सभी सामान्य, कोई असामान्य है? असामान्य मीन्स जो बहुत ज्यादा जीनियस है, वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा है कोई? नहीं होगा कोई ना कोई, तो एक दूसरे को कहने की बजाय बताओ वो है तो बोलो, या कोई ऐसा है जो नॉर्मल इंटेलिजेंस से नीचे है? ये हो सकता है, हो सकता है, नहीं, यू आर पीपल आर इन द नॉर्मल कैटेगरी, व्हाट आई फील फ्रॉम योर फेसेस आल्सो, जिस तरीके से आप लोग एक पॉजिटिव वाइब दे रहे हो मुझे लग रहा है यू आर पीपल आर फॉलोइंग इन द नॉर्मल कैटेगरी। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द पर्सनालिटी, अब मैं नहीं बोलूंगी आप लोगों को बोलने के लिए बोलूंगी, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी, आपके पर्सनालिटी से मीनिंग क्या है? एक टीचर को तो आप कहते बड़ी इंप्रेसिव पर्सनालिटी है, राजेश सर के तो आपने कहा वाह क्या इंप्रेसिव पर्सनालिटी है, कहते हो कि नहीं कहते हो? ठीक है, कहते हो। फिर एक और टीचर क्या उनकी पर्सनालिटी भी इंप्रेसिव थी, बट व्हेन यू मेड अ कंपैरिजन यू फाउंड द पर्सनालिटी ऑफ राजेश सर, क्यों ऐसा बोलो उसको जवाब दो बच्चों, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, द वे ही एग्जिबिट्स हिमसेल्फ, शायद वो बेटर लगा होगा एज कम्पेयर टू अदर फैकल्टी, ऐसा होता है कि नहीं होता? एक इंसान जब आप देखते हो तो आपको बड़ा इंप्रेसिव लगता है, ठीक है, शाली मैम आई आप खुश हुए, हुए ना? जो नहीं खुश हुए तो भी ज्यादा खुश हुए, यू वेरी हैप्पी, ओके, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब आपने मेरे साथ इंटरेक्ट करा ओनली बाय लुकिंग एट मी यू आर सेइंग दैट मैम इज गुड, बट व्हेन यू इंटरेक्टेड विद मी द इंप्रेशन कैन बी चेंज्ड, या तो आपको मैं अच्छी नहीं लगी तो आपने जो मेरी रेटिंग दे रखी थी वो कंपैरेटिवली कम हो गई, लेकिन व्हेन आई इंटरेक्टेड विद यू स्टार्टेड डिलीवरिंग लेक्चर टू यू, यू फाइंड मी लिटिल पॉजिटिव, तो मेरी रेटिंग जो 6 या 7 दे रखी थी वो 8 पे आ गई। अब कॉरिडोर में जब आपने दो टीचर देखे, एक टीचर को तो आपने रेटिंग दी 7.5, बच्चों समझ आ रहा है जो मैं कह रही हूँ आपको, और एक टीचर को दी आपने 8.5 ऑन द बेसिस ऑफ दैट द आउटलुक दैट पर्सन इज कैरिंग। No, जब आपने इंट्रैक्शन किया उस 7.5 रेटिंग वाले टीचर के साथ, यू फाउंड दैट एज अ टीचर ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बींग, ही हैज गॉट ग्रे मैटर, उनका इंटेलेक्चुअल जो पार्ट है वो बहुत अच्छा है, तो आपकी रेटिंग क्या होगी 7.5 से रेटेड 9.5। जो 8.5 वाले के साथ जब आपने इंट्रैक्शन करा, ही वॉज ऑल्सो ही और शी वॉज ऑल्सो इक्वली गुड, बट जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने नहीं थे, उनकी रेटिंग कहां जाएगी 7.5 to 8, लेकिन ये तब जाएगी जब आप इंट्रैक्शन करोगे, तो इट मीन्स दैट विदाउट इंट्रैक्शन द फर्स्ट थिंग विच मैटर्स अ लॉट इज हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ। कॉरिडोर में आपने बहुत स्मार्टली अपने आपको ड्रेसअप कर रखा है, आप जा रहे हो, बट द वे यू आर वॉकिंग इट इज नॉट एप्रोप्रिएट। आपको कहा जाता है ना कि जब आप अपने आप को स्मार्टली ड्रेसअप करते हो तो आपको सब तरीके से अपने आप को द वे यू वॉक द वे यू बिहेव विद पीपल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इन द पर्सनालिटी ग्रूमिंग। हम सॉफ्ट स्किल्स भी होती है, कुछ हार्ड स्किल्स भी होती है। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जब हम बात करते हैं हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कॉम्पिटेंसीज है जिसके बारे में जिसको हम बेटर बना सके। देखो भगवान ने शक्ल सबको दी है, कद काठ भी सबको दे रखा है, अगर आप लोग सारे बैठे हैं तो सबके पास भगवान ने आंख मुंह नाक दे रखा है, बट यदि सबकी शक्ल एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट, तो इट मीन्स दैट भगवान ने सबको अलग अलग चेहरा दे रखा है, लेकिन कुछ चेहरा क्या होता है मोर अट्रैक्टिव, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स, आई एम सेइंग लुक्स के बेसिस पे नहीं। एक बच्चा है क्लास में बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत सिंपल सा रहता है, लुक्स वाइज भी इतना सुंदर नहीं है, लेकिन जब वो बच्चा पढ़ता है और जो टीचर के साथ इंटरेक्ट करता है he becomes a monitor of the class. Why? How come he becomes a monitor of the class? Because
when he interacts, when he, the way he talks to the teachers, वो अपने जब सहपाठियों के साथ एक डिसिप्लिन वे में बिहेव करता है तो आप क्या कहते हो दैट स्टूडेंट इज मैचलेस. क्या आपने सिर्फ उसकी लुक्स देखी? आप उसका दिमाग भी देखा, आप उसकी अकल भी देखी. तो इस अकल के लिए वी विल बी टॉकिंग समथिंग अबाउट साइकोसोशल कॉम्पिटेंसेस. राइट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है योर सेल्फ. मैं आप लोगों को बच्चों बिल्कुल भी वो टेक्निकल टर्म्स नहीं बताऊंगी, बड़ी सिंपल वे में बताऊंगी. आप लोगों का सेल्फ है, सेल्फ मीन्स आप स्वयं, है ना सबका. आई एन टी है, टीचर से भी पूछ रही हूँ, आई एन टी है ना आपका? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका आई एन टी है? यू पीपल आर कैरिंग योर आई एन टी. ओके जस्ट मे बेटा आप कर लो. हाँ व्हाट्स योर नेम? नीना. ओके यू आर स्टार्टिंग इंग्लिश क्लास? बीएससी फर्स्ट ईयर. फाइन, एंड कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ? Little bit Hindi English जो आपको ठीक लगे. Very good. ये के बारे में बताया that I am business, I am a student business. These are my particular interests. Physics, in the physics, I have a passion to grow more and more. ठीक है? ये आपका सबका एक self है. आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के, चाहे फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, यू ऑल पीपल आर कैरिंग अ सेल्फ. यहाँ जितने टीचर्स बैठे हैं, उन सबका सेल्फ है. देयर नेम, देयर आइडेंटिटी, देयर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स, एंड दे हैव देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. उसके बारे में बाद में बात करेंगे. अगर आपकी गाड़ी का सेल्फ खराब हो जाता है, कैन यू मूव? पैदल चल के आ जाओगे, लेकिन गाड़ी को क्या करोगे? सेल्फ चलाने की कोशिश करोगे, एक दो बार ट्राई करोगे, फिर आप कहोगे नहीं सेल्फ खराब हो गया, इट हैज टू गो टू द पर्टिकुलर जो मैकेनिक के पास लेके जाओगे. जब आपका सेल्फ ठीक हो जाएगा तो आप उस सबसे व्हीकल को चला पाओगे. इसी तरीके से जो एक इंसान होता है उसका भी सेल्फ होता है. अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती तो क्या आप अपनी स्टडीज में कंसेंट्रेट कर पाते? फॉर एग्जाम्पल आज आपके घर में पार्टी है, ओके, बट यू आर गेटिंग वायरल. Maybe because of the social pressure आप वहां चले जाओगे, but your health is not allowing you, क्या उस get together को enjoy कर पाओगे? आप ये कहोगे कि अगर इसको वायरल ना होता तो the enjoyment would have been very different, और vice versa. You are physically very sound, very fit, but you had a conflict with your parents. उस गेट टुगेदर में आने से पहले आपके अपने क्लोज फ्रेंड से, आपके अपने मम्मी पापा से, आपके भाई बहन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्या आप उस पार्टी को एंजॉय कर पाओगे? इट मींस दैट योर बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर फिजिकल फिटनेस, योर फिजिकल फंक्शनिंग एंड योर मेंटल फंक्शनिंग, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जब हम सेल्फ की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट आई एंड मी. एक जो कॉन्सेप्ट है हमारे साइकोलॉजी में, दैट इज अ जोहरी विंडो, जो कि चार टाइप के सेल्फ की बात करते हैं. अगर आप लोग अपने को इंट्रोस्पेक्ट करोगे, बच्चों यहाँ बैठे बैठे मुझे सुनने की बजाय जो चीजें बता रही हूँ, अगर आप अपने ऊपर आगू करोगे, अपने ऊपर यूज करोगे, आई थिंक यू वुड बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड माय लेक्चर, व्हाट आई वांट टू से. वी हैव एन ओपन सेल्फ. हमारा एक होता है ओपन सेल्फ. ओपन सेल्फ होता है आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस आपको भी पता है, मुझे भी पता है. मुझे मीन्स कि आपके क्लासमेट्स को, आपके फ्रेंड्स को भी पता है. ओपन सेट ऐसा होता है ना, ओपन सेट आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां, मैक्सिमम लोग जिनके आप कॉन्टेक्ट में आते हैं उनको बताओ. एक होता है आपका हिडन सेट, छिपा हुआ सेट, आपकी अच्छाइयां, आपकी कुछ बुराइयां आपको भी पता होती हैं, लेकिन वो मुझे नहीं पता. ऐसा है कि नहीं है? या सारे रहस्य अपने खोल रखे हैं सबके आगे? अगर खोल भी रखे तो आज से जस्ट स्टॉप इट, बिकॉज हमारे कुछ सीक्रेट्स ऐसे कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए जो शायद हमारे मम्मी पापा के अलावा किसी को नहीं बताना चाहिए. और इस स्टेज में तो बहुत सारे सीक्रेट्स आप क्या करते हो, अपने मम्मी पापा की बजाय अपने फ्रेंड्स को ज्यादा बताते हो. पापा मम्मी को तो आउट ऑफ द ट्रैक रखते हो कि नहीं रखते हो? रखना भी चाहिए, वो आपकी क्या समझ पाएंगे मम्मी पापा वैल्यूज को जो आप समझ पाते हैं. एम आई राइट और नॉट? राइट. दैट्स अ गुड रिस्पॉन्स. Then comes blind self. Blind self means अंधा self. अंधा self क्या होता है? आपकी positive qualities, आपकी negative qualities आपको पता है, लेकिन आपकी कुछ negative qualities या आपकी कुछ positive qualities मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम. ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है?
हाउ मेनी पीपल आर सेइंग अच्छी चीज है, बिना सोचे समझे जवाब भर दो। आपकी कुछ बुराइयां अच्छाइयां आपको नहीं पता लेकिन मुझे मालूम है। वेयर वी नीड टू वर्क अपॉन, मैं फैकल्टी मेंबर्स को भी कहूंगी, जहां हम लोगों को वर्क करने की जरूरत है, दैट इज व्हाट, दैट वी नीड टू वर्क अपॉन अ ब्लाइंड सेल्फ। व्हाई? मैं कहती हूँ आई एम द बेस्ट, ये मैं कहती हूँ आई एम द बेस्ट। इफ आई हैव टू रेट माई सेल्फ, आई रेट माई सेल्फ 80-90%, बट व्हेन आई आस्क फ्रॉम 3 or 4 ऑफ माई कलीग्स, दे गिव मी अ रेटिंग 50%। चलो उन चार ने मुझे 50% कर दिया, मैंने कितनी दी थी अपनी रेटिंग 90%। जब मैंने अपना 90% दिया, गैप कितना रह गया 40% का। उन चार ने जब मेरी रेटिंग 50% या 55% दी, तो मैंने कहा तुम ऐसे प्रोफेशनल लेवल भी करते, मेरी ग्रोथ से जलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर लिया। अब मैंने क्या किया, आई सेड कि नहीं, कि जो ब्लाइंड सेल्फ है मेरा, मुझे कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम करना है। मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों के पास, यू आर ऑल्सो माई कलीग्स बट नॉट फ्रॉम माई डिपार्टमेंट, आप दूसरे डिपार्टमेंट के कलीग्स हैं मेरे, और मेरी आपके साथ ठीक ठाक सिचुएशन है जैसे उनके साथ है। व्हेन आई आस्क्ड द रेटिंग, यू आस्क यू पीपल टू गिव माई रेटिंग, समबडी गेव मी 75, समबडी गेव मी 78, समबडी गेव मी 65, समबडी गेव मी 62, समबडी गेव मी 70। ओवरऑल इन टोटालिटी जब एवरेज निकाला तो दैट केम अराउंड 80%। मैंने कितनी करी थी 90, अगेन देयर इज अ गैप ऑफ 10%। सो 10% का गैप तो बहुत हो जाता है, होता है ना। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू वर्क अपॉन दैट, कि मैं अपने आप को जो मेरी रेटिंग है 90% उस लेवल तक कैसे लेकर आऊं। दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं अपने आप को 80% ले आऊं, 90% से मैंने क्या किया, आपने डाउनफॉल करके 80% लिया है, बट आई वॉन्ट टू रिमेन 90%, सो वॉट वुड आई डू, मुझे कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जो मेरी कमियां हैं उनके बारे में मैं कहीं ना कहीं से फीडबैक लूंगी, और जब उन कमियों की फीडबैक लूंगी मैं उसके ऊपर वर्क अपॉन करूंगी, और जब मैं वर्क करूंगी तो क्या कर पाऊंगी, शायद आई माइट बी एबल टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ 85% इंस्टेड ऑफ 90%। राइट? देन कम्स अननोन सेल्फ, आपका ऐसा सेल्फ जिसके बारे में ना आपको पता है ना मुझे पता, फिर किसको पता, किसको पता है, भगवान भरोसे होता है ना ऐसा। कई बार ऐसे होते हैं कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स के टॉप को द डे सेमेस्टर स्टार्ट्स पढ़ाई शुरू कर देते हैं, पागलों की तरह पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जाते हैं द बुक वॉर्म, पर लास्ट में 5 questions छोड़ जाते हैं। तो बेटी बेटी का बहुत पढ़ लिया है, कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं वो सिर्फ लास्ट में 5 questions करके जाते हैं, और रात को हनुमान चालीसा का खूब अच्छा पाठ करते हैं, अरे भगवान तेरे भरोसे, है ना। और अगले दिन क्या होता है, बाय वर्चू बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो 5 questions आ जाते हैं, भगवान कभी कभी सुन भी लेता है, बट डोंट से कि वो मैडम प्लीज करके गई थी कि 5 questions ही करने का। अब वो 5 questions आपके आ गए, क्या हुआ, भगवान भरोसे अनोन से, और वो बेचारा जो दिन रात पढ़ता रहा उसका क्या होगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। वेरी गुड, वो डीमोटिवेशन ने, डीमोटिवेशन को भी किस तरीके से डीमोटिवेट करना उसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन ये अननोन सेल्फ क्या होता है, दैट इज एन अननोन सेल्फ, वेन वी फील दैट के भगवान ना मुझे पता है ना तेरे को पता है, ना तुझे पता ना मुझे पता, तो ईश्वर को पता। ऐसा होता है आपकी लाइफ में, कभी हुआ ऐसा, नॉट कोरिलेटेड विद द वे आई एम सेइंग के 5 questions के हिसाब से नहीं, कई बार आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती है बच्चों, कई बार हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कई बार हमारे परिवार में ऐसी परिस्थितियां आती है, व्हाइल मेकिंग अवर करियर हमें कई बार बहुत फेलियर्स मिलते हैं, हमने मेहनत बहुत करी, दिन रात मेहनत करी। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन आपको कई बार लगता है कि शायद जितनी हमने मेहनत करी उस हिसाब से आपका रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे केस में डोंट गो फॉर अननोन सेल्फ, डोंट टोटली रिलाय अपॉन गॉड। I am not against the almighty blessings. I believe that आज मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ मुझे भगवान ने ही ये pedestal provide करा है, but at the very same time my labor, my efforts also play a very major role. आपके जितने teachers हैं, जितने यहाँ पे बैठे हैं, I know Rajesh personally, he's an ex-service man, he's a very bright student. I tell you, जब ये research कर रहे थे, मतलब इससे ज्यादा अच्छा research और इतना होल हार्टेडली रिसर्च कोई नहीं कर सकता, और शायद मेरे को लगता है सारा क्रेडिट, और इसका सारा क्रेडिट इनके गाइड के साथ साथ जो इनकी ग्रूमिंग हुई है।
फ्रॉम दैट डिसिप्लिन लाइफस्टाइल उसको बहुत ज्यादा था, राइट। तो इट मींस कि जो पॉजिटिव क्वालिटीज, जो साइकोसोशल कॉम्पिटेंसीज इनके अंदर इनग्रेन हुई थ्रू दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, आई थिंक वो आगे जाके आपके एकेडमिक लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आपने क्या करना है, आपने किसके ऊपर काम करना है, आपने अपने ब्लाइंड सेल्फ पे काम करना है। अगर आप अपने ब्लाइंड सेल्फ पे काम करते हो मींस यू स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाई पीपल आर नॉट, नो वन थिंग व्हाट हैपेंस, नॉर्मली वी यूज अ डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि कई बार हमें फेलियर मिलता, राइट। फेलियर क्या किया, तैयारी आपने नहीं करी एग्जाम में, पढ़े आपने और आपके मार्क्स कम आ गए, तो आप कहते हो वो टीचर को तो पढ़ाना ही नहीं आता था, है ना, या आउट ऑफ द सिलेबस था, या यूनिवर्सिटी का एवैल्यूएशन सिस्टम ही खराब है, राइट। सो दिस थिंग यू आर नॉट टू डू, पर कई बार तो ब्लाइंड सेट किया ब्लू कर, तो कोई बात नहीं, इस बार पास हो तो अगली बार हो जाएंगे, कौन सा, राइट। दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड यू नीड टू अवॉइड इट, क्योंकि टाइम आपका बार बार नहीं आता है। Once the time is gone, so it means everything is gone. So you have to be very systematic, very meticulous regarding your time management. Another thing which I want to talk to you people is, आप लोग अपने आप को rating दे दो। एक small exercise जैसे RAjeshverma ने बताया था कि हम small छोटी सी exercise करेंगे। आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि 1 से 10 से आपके पास scale है, 1 to 10 के बीच में you have to rate yourself. आपको अपनी rating करनी है कि आप लोग अपने आप को साइकोलॉजिकली मीन्स अपने मानसिक गुणों से और अपने शारीरिक गुणों के हिसाब से कहां पे अपने आप को आई मीन रेटिंग कर दो। ओके, आई आस्क फ्रॉम यू बेटा, आपको 1 to 10 का स्केल है, आपको अपने आप को रेटिंग देनी है। आप अपने आप को 50% दोगे, 60% दोगे, 70% दोगे, 20% दोगे, आपका अपना सोच 60% ओके, 75% ओके, 70% क्विकली 85, वेरी गुड, 70, 80, ओके, 60%, 85, ये नहीं है जो 100% वो बेस्ट निकलेगा, ऐसा नहीं है, उसको बोलना। हाँ जी, अब जिसे बोलते हैं डीमोटिवेट हो जाता है वो, सिर्फ हाँ बेटा आप यू हैव टू रेट योरसेल्फ, रोहतक का तो नहीं है, रोहतक है लोकल, आदमपुर के 10 out of 10, ओके, एनीबडी एल्स हु फील्स दैट 10 out of 10, अच्छा, एक्सेप्ट दिस पर्सन इन द क्लास, ही कंसिडर्स हिमसेल्फ, एनीबडी हु कंसिडर्स हिमसेल्फ 10 out of 10, ओके, हाउ मेनी ऑफ यू पीपल कंसिडर 9 out of 10, 9 out of 10, ओके, 9, गुड, यू आर ऑल्सो सेइंग, एनीबडी एल्स, 2 ने 9 out of 10 बोला, कुछ बच्चों ने यहाँ पे बोला, मैक्सिमम पीछे से, बिकॉज वी हैव अ स्केयर्सिटी ऑफ टाइम, आप मुझे बताओ आप में से मैक्सिमम बच्चे अपने आप को 70 to 80% मानते हो, फाइन, नो, अब तो बच्चों की बात टीचर से पूछते हैं, है ना, तो ये तरीका थोड़ी ना, हर बार बच्चों की क्लास लगेगी, टीचर्स की भी क्लास लगनी चाहिए, ओके, हाँ जी, इसकी तो मुझे मानी 9 out of 10, सर ने बोला, आपके इंग्लिश वाले सर ने बोला 9 out of 10, ध्यान रखना तुम्हारी असेसमेंट नहीं करूंगी, इनकी करूंगी, क्योंकि मैं तो चले जाऊंगी 1-1.5 घंटे बाद, सर के साथ तो तुम लोगों ने इंटरेक्ट करना, हाँ जी सर, 5 out of 10, आप तो जल्दी डर गए, कंप्यूटर के, मैथमेटिक्स, 8 out of 10, सर आप कौन से, मैथमेटिक्स, कॉमर्स से, 10 out of 10, इंग्लिश, हाँ जी राजेश, आप 9 ही लगा लो, देखो आप में से एक तो टीचर ने बोला 10 out of 10 मैंने साइकोलॉजी में लिखा, आई एम नॉट डूइंग पर्टिकुलर नेम वाइज, और आप में से एक 10 out of 10 बोला, और मेजोरिटी में स्टूडेंट्स आर सेइंग कि वी आर फॉलोइंग 70 to 80 or 80 to 85%। नाउ वन थिंग, एज अ साइकोलॉजिस्ट, वी ऑल पीपल हु आर सिटिंग ओवर इन दिस हाउस, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई ऐसा है भगवान का कुछ ऐसी ऐसा क्रिएचर बनाया था जो बिल्कुल परफेक्ट हो, नो, 10 out of 10 इज नेवर लाइक दैट, इट इज योर परसेप्शन। नाउ आई आस्क फ्रॉम यू पीपल के व्हाट्स योर बर्थडे बच्चे, धीरज,
धीरज ने बड़े धैर्य से बोला 10 out of 10, राइट? इतने धीरे से बोला, अब हाउ मेनी ऑफ यू पीपल, वो ब्लैक जैकेट वाले को हाथ मार रहा था, वो नहीं उससे भी पूछूंगी और बताओ जिसको जानते हैं कितने इसको आप कहते हो 10 out of 10? सच सच बताना, ये इस बच्चे की तरह बस लगा 10 out of 10. अच्छा, किस कॉन्टेक्स्ट में 10 out of 10? ये व्हाइट शर्ट बताया आपसे पूछ ली बच्चे, मुझे 10 out of 10 अनुज नहीं कभी से कहते। अच्छा, आप अपने आप कितनी रेटिंग देते हो? Okay, 1 to 10. Yes. Then you start.
पांच गुण अच्छे गुण लिख रहे हैं आपको अपने के हिसाब से वो बच्चे जिन्होंने 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव है
पार्ट इज मॉडरेट, इट्स अ वेरी बैलेंस काइंड ऑफ पर्सनालिटी. ओके सभी बैलेंस है ऐसे. हाँ आपके ना मैम बैलेंस है बट ठीक है जो आपने बताया उस हिसाब से योर मोर बैलेंस. अनदर थिंग इज प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां आप पॉजिटिव तो आपने फाइव बताई, नेगेटिव आप ढूंढ ही नहीं पा रहे. राइट धीरज आपने एक पॉजिटिव नेगेटिव कितनी ढूंढी मैं तीन. ओके इफ यू डोंट माइंड कैन वी शेयर इट इन अ पब्लिक डोमेन. ईमानदार समथिंग गुड यू आर ईमानदार ही इज अ गुड वक्ता ही हैज अ मित्रता पूर्वक व्यवहार ही इज वेरी अनुशासनात्मक ऑल्सो एंड ही इज नॉट सिंगल. सिंगल नहीं है, इज मैरिड. आज पता लगा ना, अभी तक ये अपने आप को सिंगल कह रहा था. ये कह रहा है कि मैं सिंगल हूँ, ये अच्छा ही है. ये अच्छा ही है सिंगल, ये अच्छा ही है. बाय द वे इनमें से कितने ऐसे जो डबल है? सिंगल ही रहोगे जब तक करियर. अभी कहां से विवाह के पहले थोड़ा सा मेक योर करियर आपको दैट फिगर आउट कर सकते हो. हां जी बैड जो इसे पॉइंट्स बताए, लेट उठना. ओके धैर्यवान नहीं हूं, नाम धीरज है लेकिन धैर्यवान. वेरी गुड. कड़वा बोलना. डू यू एग्री टू इट वाइट शर्ट? अब बताओ. आपने कहा था मैम क्या ये वो ये क्या सच्चाई बोल रहा बच्चा है? कड़वा बोल देता है. कड़वा मीन्स इज वेरी फ्रैंक, जिसको बुरा लगता होगा बता देता होगा. इज वेरी फ्रैंक. अच्छा धैर्यवान नहीं है. देखो बेटा मेरी एक ही मानना है कि जब तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो ना, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन तो होता है कि आप धैर्यवान नहीं हो और आप इसके ऊपर कहीं ना कहीं काम भी कर रहे होगे अपने आप धैर्य को बनाने के लिए या उसको किसी तरीके से बाद में मेंटेन करने के लिए. ये बैड क्वालिटी तो है लेट उठना, बट आजकल के स्टूडेंट्स की बेसिक प्रॉब्लम भी है ना, रात को तो जागते हैं, सुबह क्लास में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता था. तो ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट योर ऑनलाइन यू नो जो रात को लोगों निशाचर बनना बंद करो और अपने करियर पे फोकस करो. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बी आउट ऑफ सोशल साइंस. यू नीड टू हैव अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कि आपको किस टाइम कितना टाइम देना है, बिकॉज ऑनेस्टली इट इज अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम. अगर आप नेट सर्फिंग किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हो दैट इज ऑलवेज बेटर. और हर एक चीज का एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, आइदर यू आर यूजिंग इट मोर और यू आर नॉट एट ऑल यूजिंग इट. धैर्यवान नहीं है, इनकी बैड क्वालिटीज है. अब इन्होंने फाइव पॉजिटिव बताए, थ्री नेगेटिव. आई वॉन्ट सेइंग इट इज समथिंग रॉन्ग, इट इज समथिंग वेरी बैलेंस्ड. वो प्रॉब्लम है जिसने पॉजिटिव कम बताई नेगेटिव ज्यादा बताई. कौन है वो बच्चा? वो भी अपना रजिस्टर दो दो लेकर आओ. पास कर दो. सर पहले पढ़ रहे हैं. ऑनेस्ट सॉफ्ट बिहेवियर. गुस्सा फिर सॉफ्ट बिहेवियर किया अपने आप ही बेटा. वो तो हर एक की पर्सनालिटी में दोनों चीजें तो मिलेंगी, बट मैक्सिमम आपको क्या लगता गुस्सा जल्दी आता है? झूठ बोलते हो बेटा. कभी कभी वाली तो कैटेगरी, कोई कैटेगरी आइदर यस और नो. ये तो देन ओवर थिंकिंग और सीबीओ ओवर थिंकिंग. अच्छा एक चीज आपने कहा ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग डू यू फील इट इज बैड क्वालिटी? नहीं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव मेट अ फेलियर, असफलता मिलती है स्टूडेंट लाइफ में, कि भाई मार्क्स कम आ जाते हैं, कि भाई आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप अचीव नहीं कर पाते हो,
If you go for overthinking, that is not bad. But if you are always concentrating upon your failure, कि अब मुझे असफलता मिली तो आगे तो मुझे मिलेगी नहीं, that is bad. If your direction is going in that direction, then it is something very bad. But लेकिन अगर overthink कर रहे हो about your career, कि that आप अगर first year या second year में now you have to make your career, you have to go into masters, what you are going to do further, how will you pursue your career, तो ये it is not bad. This is my perception. क्योंकि मैंने कहा था आपका negative point मेरा positive हो सकता है, मेरा negative आपका positive हो सकता है. So I feel that this is not negative point until unless you are concentrating more upon your failures. Okay? Otherwise, एक psychological analysis ये होता है कि अगर आप अपने बारे में negativity के बारे में ज्यादा सोच रहे हो as compared to positive, it is something very bad. Why? क्योंकि अगर ये चीज आपको negativity की ओर उदासीनता की ओर ले जाएगी और जितना ज्यादा आप अपनी personality में melancholy को लेकर आओगे, negativity को लेकर आओगे, क्या होगा? भाई एक इंसान आपके पास आया अपनी प्रॉब्लम ले, राइट, और आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के की जगह बताओ मैं तो खुद ही बड़ी दुखी हूँ, पता नहीं लाइफ क्या है, वर्थलेस हूँ. आप एक बार आओगे दो बार आओगे उसके पास तो मैं जाऊंगी, ये तो अपना दुबड़ा सुनाने लग सकते मेरा क्या सॉल्व करेंगे. सो कई बार आपको ऐसे पॉजिटिव वाइब्स वाले लोग चाहिए होते हैं, दोस्त हुआ वेरी लाइवली. और ये जरूरी नहीं कि जो लोग सारे हंसते रहते हैं वो इंटरनली तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या कहा मैं इसको छुपा रहे हो. हंसना अच्छी बात है, सबके साथ शेयरिंग भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी नेगेटिविटी को ज्यादा भी मत सोचो कि भाई आपके अंदर नेगेटिविटी है. वी ऑल पीपल, भगवान ने हम सबका बराबर सा संतुलन बना रखा है, पॉजिटिविटी का भी नेगेटिविटी का. फर्क यह है कि हम नेगेटिविटी की ओर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं जिससे कि हमारी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं मेहनत कर लिया. अब मैं बात कर रही हूँ वो जो आपकी सेल्फ की, धीरज ने अपने आप को 10 out of 10 रेटिंग दी थी. बेटा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने 10 out of 10 रेटिंग दी थी, इसलिए यू आर बिकम यू नो फोकस ऑफ अटेंशन पर. और जब इन बच्चे ने 10 में से 10 दिया तो इसने मे बी शायद मजाक में भी कह दियो, मे बी हो सकता है कई बार ये आप क्लास में ना थोड़ा सा एक लाइवली सा माहौल क्रिएट करने के लिए भी 10 out of 10 कह रहे हो, बट इट वॉज हिज परसेप्शन की 10 out of 10. 10 out of 10 होने के बावजूद भी इन्होंने 5 अपने पॉजिटिव पॉइंट्स बताए और 3 नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दिए. तो अगर ये परफेक्ट थे तो इनके 3 नेगेटिव पॉइंट्स कहां से आए? धीरे धीरे से बताइए. बट आई हैव लर्न्ड दिस बाजार इज क्वाइट गुड, ठीक है. देखो बच्चों, आप लोग बहुत जगह इंटरव्यूज में भी जाओगे, कहीं पे भी जहां पर भी जाओ अपने आप को ये मान के चलो देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ मीटिंग अ फेलियर, इक्वल चांसेस ऑफ मीटिंग अ सक्सेस. इन केस इफ समबडी आस्क्स दैट हाउ डू यू रेट योरसेल्फ, नेवर से 10 out of 10. धीरज, इट इज फॉर यू. बच्चे मैं बता रही हूँ, 10 out of 10 अगर आप हो गए तो सामने वाला, अगर मैं आज आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटरव्यूअर हूँ तो 10 out of 10 में आई थी दैट इज सच एन ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन कि अगर मैं आगे, अगर ये मेरे साथ ज्वाइन करता है, मेरा कलीग बनता है, तो सिंस इज सो ओवर कॉन्फिडेंट तो कहीं ना कहीं ही वोंट बी, ही वोंट बी ओबेइंग व्हाट आई वांट टू से. थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अभी पीछे SSB के हमारे नहीं हो रही थी, अदरवाइज यू आर वेल फैमिली विद दैट. किसी ने बोला कि यू हैव टू बी वेरी असर्टिव, जब आपकी GD होती है, लेक्चरेट होता है, तो उसमें आपको बहुत असर्टिव होना पड़ता है. बट आई थिंक असर्टिव विद ह्यूमिलिटी इज मच बेटर. बट लेकिन जो आपके ट्रेनर है वो नहीं कहते मैडम हमको तो जंप करना पड़ता है, एक दूसरे से लड़ना पड़ता है. अगर हम वहां ह्यूमिलिटी दिखाएंगे, विनम्रता दिखाएंगे, तो शायद वो चीज गलत हो जाएगी. आर्मी में जाना है तो विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं है, डू और डाई. लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं ह्यूमिलिटी दिखानी पड़ेगी, विनम्रता विद योर ओन व्यू पॉइंट. अपना पॉइंट कहो लेकिन साथ साथ यू हैव टू बी वेरी, यू हैव टू बी नॉट वेरी, यू हैव टू बी लिटिल सॉफ्ट आल्सो. ओके, ऐसी चीज बोलो जो सामने वाले को हर्ट ना करे. देन कम्स अनदर पॉइंट, ये जिन बच्चों का है, ये तो थी हमारी सेल्फ की बात. एक और दूसरा पॉइंट आई वांट टू डिस्कस विद यू पीपल, एटीट्यूड. आप लोगों ने आजकल एक टर्म सुनी होगी, आप कहते हो कि मैम वो मैडम अच्छी नहीं है बड़ा एटीट्यूड दिखा रही है, ऐसा होता है? नहीं होता. या आप अगर अपने फ्रेंड्स के बारे में कहते हो कि मैं उससे बात नहीं करना चाहता, वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड? देखने का नजरिया. अच्छा, ओके. ये देखने का नजरिया आप कैसे निर्धारित कर पाते हो? मैं जैसे किसी पर्सन को देखना उसकी तरफ वो मान्यता नजर है, जैसे कि अच्छा ये बंदा, इसकी बिहेवियर, इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, आपके जजमेंटल स्टेटमेंट क्या है वो आपने पढ़ा. ये
कई बार ऐसा होता है आपकी एक फ्रेंड आई, जो मैं जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी एक फ्रेंड आई अपनी तरफ से बहुत स्मार्टली बेचारी ड्रेसअप होकर आई थी, आपको अच्छा नहीं लगा, अच्छा यू नहीं लगा कि और को अच्छा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, तो सबने कॉम्प्लीमेंट करा, यू आर लुकिंग वेरी गुड, यू आर लुकिंग वेरी गुड, जब पांच लोगों ने उसे कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो थोड़ा सा उसमें एक कॉन्फिडेंस भी आ गया, थोड़ा सा एक प्राइसी होने का भी आ गया कि वी आर लुकिंग गुड, तुम्हें अच्छा लगा नहीं लगा, तुमने बोला आज क्या करके आए, शीशा नहीं देखा था क्या, मैंने देखा था कि क्या पेंटर आया, तो क्या होगा उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो ये भी सोच सकती है तुझे तो मेरे से जाने सी रहती है इसलिए यू आर नॉट रेजिंग मी रेस्ट फाइव ऑफ द पीपल दे हैड रियली प्रेज्ड, तो फिर आप ये अपना एक्सप्लेनेशन दो कि नहीं वो तो तेरा मजाक उड़ा रहा था, ओके, व्हाट आई वांट टू से दैट नॉर्मली वी फील दैट कि कोई इंसान कॉरिडोर से चला गया या आपकी कोई फ्रेंड चली गई, तो आप ये कहते हो कि आज तक वो मेरे से बात नहीं कर रही, चाहे मे बी शायद उसको आप दिखाई नहीं दिए या मे बी वो शी वॉज ओवरली इनग्रॉस इन हर ओन थॉट्स, लेकिन आप उसको एटीट्यूड ये करने लग जाते हो बड़ी ही बड़े टशन मारी भाव खा रही है, जब भाव खा रही है तो आप क्या करते हो उसके भाव को कंट्रोल कर लीजिए, आप उस पर नहीं देखते, आप उससे बात नहीं करते, ये नहीं पता, लेकिन क्या पता वो शायद भाव इसलिए आपको ऐसे लग रहा है भाव खा रही है नहीं खा रही, सो व्हाट इज योर एटीट्यूड, एटीट्यूड मींस इट इज बेसिकली भाव खाना नहीं है, इट इज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ, पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द लाइफ, अब एटीट्यूड की स्टोरी शायद राजेश ने तो सुन रखी होगी, सीड्स वाली सुन रखी है, हां सुनिए ना सीड्स की स्टोरी, बीज की कहानी, सो इट्स अ स्मॉल स्टोरी जो शायद आपके लिए कुछ प्रोत्साहन आपको दे पाएगी आपके लिए सर, मोर इंस्पायरिंग फॉर यू, एक किसान था और किसान को अपने खेत के ऊपर फसल उगानी थी, ओके, तो उसने क्या किया, वो एक सीड्स का पैकेट लिया है, बीजों का पैकेट लिया है, और एक पैकेट में कितने सारे बीज होंगे, टेंटेटिव आइडिया, मिलियंस फॉर एग्जांपल, अब उसने इतने बड़े, जब उसने अपने खेत में जब वो फसल लगानी थी, बहुत सारा एरिया था, लैंड था, बिकॉज टू बी कल्टिवेटेड, जो उसे कल्टिवेट करना था, उसने वहां से सिर्फ दो बीज निकाले, ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ एरियर्स उसने सिर्फ दो बीज निकाले, अब दो बीज निकाल के वो खेत में आया, उसने उस बीज को एक बीज को लिया और बिलीव द लैंड उसको डाल दिया, द बीज वॉज वेरी हैप्पी, द सीड वॉज टू हैप्पी कि इतने सारे बीजों में से मुझे किसान ने निकाला, आज इसने मेरे को जमीन में डाला है, कल और डे आफ्टर ही वुड कम, वो मेरे को ऑर्गेनिक मैन्योर देगा, ऑर्गेनिक राइट, किसी प्रकार का इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड नहीं डालेगा, और उसके साथ साथ वो मेरे को बहुत ही न्यूट्रिशियस ग्राइंड देगा और मेरी बहुत अच्छी केयर करेगा, आई एम सो फॉर्चुनेट, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, ये उस बीज का दृष्टिकोण है जिसमें हम एटीट्यूड की बात करें, अब दूसरा बीज लिखा, दूसरे को भी उसके साथ ही लगा दिया, अच्छा वो पहले वाले बीज का ये व्यू पॉइंट था कि जब मैं 15-20 दिन बाद जमीन से ऊपर आ जाऊंगा, लुक एट दिस पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, मैं जब जमीन से ऊपर आ जाऊंगा तो व्हाट वुड हैपन, धीरे धीरे मैं एक बहुत सुंदर प्लांट बनूंगा जिसपे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगेंगे, और अगर मैं प्लांट नहीं बनता तो मैं बहुत बड़ा पेड़ बनूंगा जिसपे बहुत जूसी फ्रूट्स आएंगे और वो छाया भी बहुत देगा, पीपल वुड कम मेरी छाया के नीचे बैठेंगे और जूसी फ्रूट को खाएंगे, मुझे एडमायर करेंगे, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग प्लांट, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लांट, दूसरे वाला बीज है उसको भी सेम किसान ने डाला, अब उसका पर्सपेक्टिव सुनिए, इस किसान को इतने बीजों में से नहीं मिला था, निकाल के मुझे धरती के अंदर डाल दिया, आई डोंट वांट टू स्पीक हरियाणवी राइट, भीतर डाल दिया, अब पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, अगर आया तो पता नहीं कितना कीटनाशक दवाई डालेगा, कितने इंसेक्टिसाइड डालेगा, कितने पेस्टिसाइड डालेगा, इट माइट बी पॉसिबल, सी क्वेश्चन मार्क, इट माइट बी पॉसिबल शायद मैं जमीन से ऊपर आ जाऊं, डाउट राइट, मैं ऊपर आ गया तो पता नहीं मैं कैसा फ्रेजाइल सा करेक्टर निकलूंगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा मेरा, पतला दुबला सा, हवा पानी कुछ फायदा नहीं, इधर उधर मुड़ जाऊंगा, अगर मेरे ऊपर फ्लावर्स निकलते हैं तो बिल्कुल भी ब्लूमिंग फ्लावर्स नहीं होंगे, बिल्कुल ही बदर फ्लावर्स होंगे, और अगर मैं पेड़ भी बना तो लैंकी सा पेड़ बनूंगा जिसपे किसी प्रकार का फ्रूट नहीं होगा, और लोग मुझे आके कहेंगे कितना कमजोर वृक्ष, कैन यू मेक अ कंपैरिजन अबाउट द थॉट प्रोसेसेस
of one beach with the another beach. My dear students, this is also your aim of the life. Sometimes you have that perspective. कि मेरा कुछ ये होगा कुछ होगा भी इससे नहीं होगा मैंने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया पता नहीं मेरा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा दिस इज योर थॉट लेकिन अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जहां ग्रुप में बैठे हुए बहुत ही एनर्जेटिक लग रहे हैं सारे के सारे सोचते होंगे वी आर सो फॉर्चुनेट दैट यू हैव कम टू दिस कॉलेज वन पॉइंट यू नीड टू शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर पेरेंट्स आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ भेजा बहुत कम पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एक रूरल एरिया में बच्चों को नहीं भेज पाते आपके पेरेंट्स इतने सक्षम हैं जिन्होंने आज आपको यहाँ भेजा आपको पढ़ने के लिए भेजा यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल गैलेक्सी ऑफ द टीचर्स इतने इंटेलिजेंट टीचर्स हैं इतने ज्यादा अच्छे टीचर्स हैं जो आपको अकेडमिकली ग्रो करने में आपकी मदद कर रहे हैं और उसके बाद आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए पहले बीच वाला या दूसरे बीच वाला सो दिस इज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ अगर आपका एटीट्यूड ये है कि आप यहाँ पढ़ने आए हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टेट में बोझ बस्ती मत करो क्योंकि द ब्लेंड ऑफ बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप बिल्कुल पढ़ाकू में सारा टाइम पढ़ाई के अंदर घुसे रहते हैं ये भी आपके पास आरटी के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आपकी पास आरटी तभी ग्रूम होगी जब आप स्मार्टली भी रहेंगे आपको अपनी नॉलेज अपडेट रखनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको फर्स्ट वाला बीज बनना है सेकेंड वाला बीज नहीं बनना है एंड डियर स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है जब हमें फेलियर देता मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जितने भी यहाँ बच्चे हैं और जितने भी आपके टीचर्स बैठे हैं सबको फर्स्ट डे ही सफलता मिल गई इनसे पूछो इनको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी टू कम अप टू दिस लेवल दे ऑल हैव कम जितने भी हम यहाँ पर आए हैं सभी स्ट्रगल करके आए हैं आपको लगता होगा कि मैडम आती है लेक्चर देके चले जाती है गाड़ी में गाड़ी में चलने की कुछ नहीं करती नहीं शायद वो आज इस मुकाम पे इसलिए पहुंचे कि शायद उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा बहुत मेहनत करी और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखा उस बीच वाला और आगे धीरे धीरे ग्रो करा और यही आपका ऐसा प्रदर्शन है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में आई बिलीव दैट अगर आप ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अपना करियर फॉर्मेशन की ओर अगर आप फोकस करते हो तो माय डियर स्टूडेंट्स कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको एज अ थ्रेट का काम करेगी यू टेक इट एज अ चैलेंज यू बी गोल ओरिएंटेड और जितना गोल ओरिएंटेड बनोगे उतना ही आपको जिंदगी में सक्सेस प्राप्त करोगे दूसरी चीज एक और मैं आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में बताना चाहती हूँ अब आपके पास आपका टीचर आपके साथ कितनी देर मीट करता है साइकोलॉजिस्ट के पास उनके पास सर आए एक घंटा मैम ने आपके साथ एक से वन और आपसे मीट करी कंप्यूटर साइंस वाले सर ने आपको कंप्यूटर करवा दिया मैथ्स वाले सर ने आपको मैथ्स करवा दिया अब घर जाके आपने क्या करना है ये कौन करेगा मेहनत तो आपको करनी है ना यू योरसेल्फ हैव टू टेक एन इनिशिएटिव अगर आप लोग घर जाके मम्मी पढ़ाए रजिस्टर कर दिया बंद और सुबह उठकर आ गए रजिस्टर यहाँ खोल लिया दैट मेक्स नो सेंस एट ऑल आई एम नॉट सीइंग द डे सेमेस्टर स्टार्टेड सो यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन लेकिन आप बीच में 15-20 दिन के बाद तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर आप साथ साथ मेहनत करोगे तो आपके अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा क्योंकि जब आपका काम पाइलर होता चला जाता है तो क्या होता है ये असाइनमेंट भी आ गई ये असाइनमेंट भी आ गई ये असाइनमेंट भी आ गई तो देन यू कम अंडर द तनाव है ना कि नहीं मेरे को तो प्रैक्टिकल्स भी करने हैं मुझे तो लेक्चर भी प्रिपेयर करना है मेरे सेशनल्स भी आ गए हैं आपके यहाँ भी सेशनल्स और असाइनमेंट होगा ना अच्छा असाइनमेंट आ गई इसके लिए भी आपको जरूरी है और असाइनमेंट ऐसा तो है नहीं एक ने मेरा हिसाब डिस्ट्रीब्यूट कर दी ऐसा तो नहीं होगा हर एक बच्चे को अलग अलग असाइनमेंट मिलती होगी एंड यू हैव टू डू इट सो जब आपको ये तनाव कब आता है जब आपका काम फाइलर हो जाता है फाइलें पड़ी है पड़ी है पड़ी है जैसे ही आप उसको क्लियर करते हो तो आपका तनाव कम हो जाता है सो फॉर दैट यू हैव टू गो अ वेरी पॉजिटिव एंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट और जितनी ज्यादा अच्छी टाइम मैनेजमेंट होगी उतना यू विल बी स्ट्रेस फ्री आपको किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा कितना टाइम नहीं लगा आई होप हम एक छोटी सी स्टोरी में इसको एंड करें करिए ना यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव ऑफ व्हाट आपको स्वच्छता अभियान के बारे में मालूम है मोदी जी ने उसको इनिशिएट करा टू व्हाट एक्सटेंट डज इट व्हाट हैज इट गॉट एन सक्सेस आई थिंक 80-90% आपके अंदर सक्सेस आया है कैसे अगर आप एक चॉकलेट खाते हो या टॉफी खाते हो हाउ मेनी ऑफ यू पीपल थ्रो इट इन द क्लासरूम ऑनेस्टली बताओ आपने पैटी खाई आप कितने बच्चे टिश्यू पेपर्स गाड़ी से बाहर फेंकते हो रोड पे नहीं अगर आप फेंकने भी लगते हो तो आपको ध्यान आ जाता है वी आर व्हाट
we are the civilized citizens of this country and we should not throw it. आप क्या करते हो टिश्यू पेपर को रैप करके अपनी गाड़ी में या अपने बैग में रख देते हो, जहां आपको डस्टबिन मिलता है वहां क्या करते हो उसको थ्रो करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% सक्सेस मिली है, लेकिन जो वैल्यू सिस्टम, जो चीजें हमारे अंदर इंकल्केट करी जाती है, इम्बाइब कर दी जाती है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। लेकिन इनिशिएटिव कौन लेगा? उन्होंने तो इंट्रोड्यूस कर दिया, इनिशिएटिव कौन लेगा? आप लोगे, मैं लूंगी, हम सारों को लेना पड़ेगा। इसके लिए छोटी सी एक स्टोरी है। देयर वॉज वन फिशरमैन समझते ना, जो मछलियां पकड़ने वाला था, वो बॉम्बे की सी बीच पर बैठा हुआ था, एंड ही वाज टू कैच द फिश। उसके एडजेसेंट ही एक स्टोरी राइटर बैठा हुआ था। ही वांटेड टू राइट डाउन अ स्टोरी फॉर सम मूवी, उसको मूवी के लिए स्टोरी बनानी थी। तो उसने कहा कि चलो मैं समुंदर के पास बैठा हूँ, समुंदर के पास बैठूंगा तो शायद मैं बेटर कंसंट्रेट कर पाऊंगा। कई बार ऐसा होता है ना कि जहां पे आपको लगता है अच्छा सा माहौल हो, वहां पे आपका कंसंट्रेशन बेटर रहता है। तो उसने देखा, वो रोज आता था, रोज स्टोरी की थोड़ी सी स्क्रिप्ट लिखता और पेपर को क्रश करके हैंड देता था। अल्टीमेटली ही फाइंड कि दो तीन दिन हो गए और मैं किसी निष्कर्ष पे किसी स्टोरी को लिख नहीं पा रहा हूँ। डेली मैंने यूज टू कम दैट राइटर, स्टोरी राइटर, ही फाउंड देयर वाज अ स्मॉल बॉय, 15-16 साल का लड़का था, वो रोज मछलियां पकड़ने आता। वो रोज मछलियां पकड़ के क्या करता था, जैसे ही समुंदर की लहरें आती तो बहुत सारी मछलियां किनारे पर आ जाती, वो उन मछलियों को उठाता जितनी भी ही कुड कैरी और मछलियों को वापस समुद्र में भेज देता। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि इतनी मछलियां मर जाएंगी अगर इनको वापस समुद्र में नहीं भेजूंगा। वन डे व्हाट हैपेंड, ही वाज वेरी मच सरप्राइज दैट स्टोरी राइटर कि रोज ये क्या करता है बच्चा, इसका बेसिक तो बिजनेस है टू कैच द फिशेस, ये फिशेस को लेके नहीं जाता है, बट ये क्या करता है, ये फिशेस को वापस भेज देता है फॉर द सर्वाइवल इन द सी। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, ही सेड यू ऑल्सो कम एंड ज्वाइन। उस लड़के ने बोला कि तुम मेरे को आके ज्वाइन करो, तुम भी देखो। ही सेड ठीक है, आई ऑल्सो ज्वाइन। वो अपनी स्टोरी की राइटिंग को भूल गया। जैसे ही लहरें आती रेज आती, बहुत सारी स्टारफिश किनारे आ जाती, वो टोकरे में उनको भरता और उनको वापस डालता। इसका तात्पर्य क्या निकला? यंग ब्रेन्स बताओ, स्वच्छता अभियान का मैंने आपको कुछ दिया एग्जाम्पल। अगर आप हाथ नहीं बटाओगे, एक के साथ क्या जुड़ा? स्टोरी राइटर जुड़ा। कौन काम कर रहा था? फिशरमैन। किसके सर्वाइवल के लिए? फिश के सर्वाइवल के लिए। फिश का सर्वाइवल जब कर रहा है तो एक हाथ जुड़ा, अगर उसके साथ जो और होंगे वो भी हाथ, दे वुड बी ज्वाइनिंग हैंड्स, व्हाट वुड बी द रिजल्ट? व्हाट वुड बी द रिजल्ट? द एंड रिजल्ट वुड बी सिनर्जी। एक और एक 11 होगा, 11 से क्या होगा 22 होगा, 22 से क्या होगा 33 होगा। आज अगर आप इनिशिएटिव ये ले लेते हो कि मुझे पढ़ना है बाय ऑल मींस और मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना है, आज आपको पढ़ता देखे कौन आपको देखे इम्प्रेस होगा, कौन मोटिवेटेड होगा? आपने देखे कि घर में बड़ा भाई पढ़ रहा होता है तो छोटा भाई भी क्या पढ़ना स्टार्ट कर देता है। आज आप लाइफ के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप तीन बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, एक कहता है कि आज मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कैंटीन के बाद मैं पढ़ूंगा, वो लाइब्रेरी में पढ़ेगा, दो कहेंगे तो पागल हो गया, नया नया शौक है, छोड़ ना इसको, तो क्रिटिक्स बहुत मिलते हैं आपको, तो ये आपको एडमायर नहीं करेगा। आप जब आपने 3-4 घंटे पढ़ाई करी लाइब्रेरी में, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैंने टाइम कैंटीन में बैठ के इधर उधर पैटी खाने में या समोसे खाने में नहीं किया, लोगों के ऊपर कमेंट्स करने में नहीं करा, मैंने उस 4 घंटे को यूटिलाइज करा। जब आपको 4 घंटे यूटिलाइज करके आप बाहर निकलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग होगा, राइट? यू आर अ डिफरेंट गर्ल, यू आर अ डिफरेंट बॉय। अगले दिन फिर आप 4 घंटे गए लाइब्रेरी में, मैं कह रही हूँ 4 घंटे नहीं, आप 2 घंटे गए, आपकी जो असाइनमेंट थी आपने पूरी करी, अपना काम किया और आप आ गए। आई बिलीव इट, आई टेल यू, आप लोग उन 4 बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट हो जाओगे जो आपके साथ हुए। धीरे धीरे वो 4 लोग भी, दे वुड ऑल्सो फील मोटिवेटेड, हम पागल है ना बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वी आर रियली वेस्टिंग द टाइम, व्हाट वुड यू डू? वो 4 भी आपके साथ आए। So who has to take the initiative? You yourself have to take the initiative. So please be initiator. अगर आपका vision without action है तो you cannot do it. Teachers आपको कहेंगे बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, you have a vision. आप सब में दिमाग है, आप सब में vision है, but कमी किसकी होती है? टाइम टेबल लगा दिया, रोज लगाते हैं बच्चे टाइम टेबल लगाते दीवार पे, आज इतने घंटे, आज इतने घंटे, आज इतने घंटे, लगता तो अच्छा दिन पढ़ लूंगा, फिर कहते हैं एक का फोन आता है भाई आज मेरा बर्थडे है चलना चलते हैं, चलो कोई बात नहीं आज से नहीं कल से, चलो कोई बात नहीं कल से,
कल से ठीक, कल से के बाद आपने क्या किया? मैं ये नहीं कह रही उसको टोटली इंप्लीमेंट करो, आपने कहा कल से ठीक है मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, जहां मैंने 8 घंटे का एक टारगेट रखा है, आपने 2 घंटे पढ़ाई करी। आई थिंक 2 घंटे की पढ़ाई भी आपको क्या करेगी, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगी। आप 2 घंटे से क्या करोगे, 3 घंटे पे आओगे, 3 घंटे से क्या होगा, 4 घंटे पे आओगे, 4 घंटे से क्या करोगे, 5 घंटे पे आओगे। जिम जाते हो, कोई एक्सरसाइज या ग्राउंड में जाते हो? एक्सरसाइज करने के लिए शुरू में बॉडी को एक्यूट होने में टाइम लगता है। डे वन जब आप दौड़ लगाते हो तो आप 2 राउंड लगाते हो, 3 राउंड लगाते हैं, आपकी मसल्स पेन करने लग जाती है। जब आपकी बॉडी एक्यूट हो जाती है 3-4 दिन के बाद आपकी वो पेन खत्म हो जाती है। सिमिलरली इन द केस ऑफ योर स्टडीज ऑल्सो, एक बार पढ़ना स्टार्ट तो करो अच्छी तरह। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू स्टडी ओनली अबाउट द करिकुलम व्हिच हैज बीन मेंशनड इन योर सिलेबस, नो डोंट गो फॉर दैट। कई बार आप इसके अलावा भी जब आप पढ़ते हो तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि जब आपने पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा या करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ा, 1 घंटा उसको पढ़ने के बाद आपका मन करता है कि मैं अपने सब्जेक्ट का भी कुछ पढ़ूं। जैसे कि बच्ची ने बताया मैं फिजिक्स के लिए बहुत पैशनेट हूं, आई टेल यू अगर आप फिजिक्स का किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी कोई करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट फिजिक्स के लिए और ज्यादा इंक्रीज होगा, बिकॉज इट इज लीडिंग टू व्हाट, एक एडिड क्वालिटी होगी कि जब मैं इसको कर सकती हूँ व्हाई नॉट टू डू दिस, इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग फॉर यू। What I say that you have to take an initiative, और initiative करने के लिए लेने के लिए you have to be a torch bearer. Torch bearer कैसे बनोगे, अलग एक मुकाम, अलग एक आपको movement start करनी पड़ेगी और then you would be able to grow in your life. So always believe that कि आप लोगों के अंदर एक high self efficacy है। जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं, चाहे उनके 50% आते हो चाहे किसी के 80% आते हो, सबके अंदर एक पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल किसी के अंदर स्पोर्ट्स का हो सकता है, किसी के अंदर म्यूजिक का हो सकता है, किसी के अंदर बहुत अच्छी कुकिंग का हो सकता है, किसी के अंदर बहुत अच्छा कंप्यूटर साइंस का हो सकता है। वो बात अलग है जो सर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं वो किसी और कारण में जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर लिटरेसी क्या है। अब जो साइकोलॉजी वाले सर है वो अपनी जॉब छोड़ के ही इज एक सर्विस मैन एज वेल एज ही इज गोइंग इन द अकेडमी ऑल्सो, so it means that somebody has to take an initiative, new people have to take an initiative, और आपको टॉर्च बियरर बनना पड़ेगा। सर ने ये आज प्लेसमेंट सेल में ये एक लेक्चर करा, आई होप यू माइट हैव लाइक माय लेक्चर, आई होप दैट 10% बच्चे इस चीज से कुछ सीख पाएंगे। एंड ऑनेस्टली जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे पता लगा था कि रूरल एरिया का कॉलेज है, ऑनेस्टली आई डिड नॉट फाइंड इट अ रूरल एरिया कॉलेज, नीदर द स्टूडेंट्स नॉट द फैकल्टी मेंबर नॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं नहीं जानती उसके बाद में लोगों ने इतना प्रॉपरली मुझे ग्रीट करा, वेलकम करा, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल कि आपने मुझे इतने धैर्य से सुना, जिंदगी ने भी बहुत धैर्य से सुना। एंड आई प्रे टू गॉड दैट मोर पीपल गेट अ सक्सेस, माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज। थैंक यू।